हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स में सिंपल तो स्टार्ट करेंगे पाँच मार्च 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस और एक खुशी की बात ये कि तीन तारीख वाला वीडियो आप लोगों ने हज़ार लाइक्स को दिए थे सो so दैट किसी तरीके से लेकिन 24 घंटे में तो फिर भी टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ फिर से अपन कोशिश करेंगे कि 24 घंटे में एक हज़ार लाइक्स लाने की है ना तो प्लीज़ डू लाइक इट डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल और आपका सपोर्ट अगर इसी तरीके से मिलता रहा तो काफ़ी अच्छा हमको भी लगता है एंड दैट इज़ ऑल वी वॉन्ट स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए आज के क्वेश्चन के साथ पहला सवाल है विद रेफरेंस टू पेरीनी डांस डांस के बारे में क्वेश्चन है आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है पहला स्टेटमेंट कह रहा है दिस डांस फॉर्म प्रॉस्पर्ड ड्यूरिंग द ककटिया डायनेस्टी कल ही पढ़ा है बेरीनी आप लोग को याद है ना बता देना इसका आंसर दूसरा स्टेटमेंट है इट इज परफॉर्म बाय मेल्स इन ऑनर ऑफ लॉर्ड शिवा तीसरा स्टेटमेंट है इट इज बिलीव्ड दैट इन एंशियंट टाइम्स दिस डांस वाज़ परफॉर्मड बिफोर द सोल्जर्स वर सेंट टू वॉर आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है वन एंड टू टू एंड थ्री वन एंड थ्री वन टू एंड थ्री क्वेश्चन नंबर टू इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर थ्रेट टू एशियाटिक लॉइन पॉपुलेशन इन इंडिया एशियाटिक लॉय की पॉपुलेशन को क्या क्या थ्रेट है इंडिया में फर्स्ट इज है फ्रेगमेंटेशन सेकेंड इज लीनियर इन्फ्रास्ट्रक्चर इंट्रूजन थर्ड इज वलरेबिलिटी टू डिसीजेज तो आपको बताना है कि एशियाटिक लॉइन पॉपुलेशन को क्या थ्रेट इंडिया में है दीज आर द्री स्टेटमेंट एंड वन टू टू थ्री वन थ्री एंड वन टू थ्री दीज आर दप्शंस आपको बताना है क्या सही है फॉलोइंग रिसेशन इन अ कंट्री डिफरेंट पार्ट ऑफ द इकोमी आर रिकवरिंग एट डिफरेंट रेट्स टाइम्स एंड मैग्नीटूड्स आपको बताना है कि इस तरीके की रिकवरी को हम क्या बोलते हैं ठीक है ना वेन आफ्टर अ रिसे द इकोमी इज रिकवरिंग एट डिफरेंट रेट्स टाइम्स एंड मैग्नीट्यूड आपको बताना है कि इसको हम कौन सी रिकवरी बोलते हैं ऑप्शन वी शेप्ड रिकवरी के शेप्ड रिकवरी जेड शेप्ड रिकवरी या डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी तो दीज आर द ऑप्शन फॉर यू आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो पॉज करिए अटेम्प्ट करिए और बताइए कि कितने आपने सही किए ठीक है ना आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ पहला सवाल मैंने आपसे पूछा कि पेरिनी डांस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है सी बात है कल मैंने आपको पढ़ाया था और बताया था कि ये लॉर्ड शिवा के ऑनर में ये डांस होता है मेनली परफॉर्म्ड बाय द मेल कैंडिडेट होता है एंड ये वॉर क्राई के टाइप का होता है जैसे वॉर क्राई पर बोलते हैं ना वॉर क्राई उसी तरीके से ये वॉर डांस है, है ना यानी कि किसी को उत्साहित करने के लिए तांडव डांस है एक्चुअली में ये प्रोत्साहित तो करने के लिए तांडव के उसके उसकी बेसिस पे ही ये किया जाता है और ये ककटिया डायनेस्टी जो तेलंगाना वाला रीजन है पेरीनी डांस एक्चुअली में तेलंगाना के रीजन में होता है और ककटियास के डायनेस्टी डायनेस्टी के टाइम पर यह बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर किया तीनों ही स्टेटमेंट सही है वन टू थ्री दूसरा स्टेटमेंट क्वेश्चन था एशियाटिक लॉयन पॉपुलेशन को क्या क्या थ्रेट है ऑब्वियसली आता ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर ऑल ऑफ देवा भी होता है इसका भी ऑल ऑफ देवा भी है तीनों ही कॉजेज uh, हैं एशियाटिक लॉइन के पॉपुलेशन के थ्रेट में है ना और दूसरा सवाल मैं तीसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि रिसेशन के बाद इकोनॉमी अगर डिफरेंट रेट्स के साथ ग्रो कर रही है तो उसको हम कौन से रिकवरी बोलेंगे ऑब्वियसली बात है उसको हम के शेप्ड रिकवरी बोलेंगे इस तरह कुछ इस तरीके से मैप बनता है ड्रॉ एज वेल यह मैं आपको बना करके दिखा देते को? इस तरीके से बनता है एक 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 जो सेक्टर है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है दूसरे में बहुत ज्यादा डाउनफॉल है ये हम के शेप्ड रिकवरी बोलते हैं ठीक है ना वी शेप्ड रिकवरी तो ऐसा होता है ये होता है मतलब कि एक पहले तो डाउनफॉल हुआ फिर सारे सेक्टर्स एक साथ बढ़ने लगे इंडिया की जो रिकवरी थी पहले वी शेप्ड बोली जा रही थी लेकिन बाद में फिर उसको जब एनालिसिस और इन सब में हमने समझा तो वो एक्चुअली में के शेप्ड रिकवरी ही थी आगे देखते हैं मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है तो आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है व्हाई शुड वी नॉट मेक वॉर लीडर्स हीरोज मतलब क्यों हमको वॉर लीडर्स को हीरोज नहीं बनाना चाहिए ठीक है ना जैसे आइडियल्स हैं बहुत सारी कंट्रीज में आप आइडियल्स देखेंगे जो वॉर लीडर्स रहे हैं वॉर हीरोज रहे हैं उनको बनाया जा रहा है तो आपको आपके लिए सवाल है कि वॉर लीडर्स को या वॉर उनको हीरोज क्यों नहीं बनाना चाहिए या इनको क्यों आइडियलाइज नहीं करना चाहिए दिस इज अ क्वेश्चन टू यू है ना आई होप यू विल ट्राई टू राइट द आंसर केवल हंड्रेड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी वर्ड्स में आंसर लिखेगा हंड्रेड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी वर्ड्स बहुत ज्यादा बड़ा डिटेल्ड आंसर मैं नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों को हंड्रेड

उसमें तो थोड़ा सा कंक्लूजन वाले पार्ट में मुझे लगता है कि आप लोग मिस कर जा रहे हैं बिकॉज यू आर नॉट एबल टू मतलब कि आप सही साइड नहीं ले पा रहे हैं या उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं लास्ट में यश yes, का आंसर मैंने पढ़ा था दैट वाज आल्सो गुड आंसर एंड देवाशीष ने कुछ पॉइंट्स दिए थे देवाशीष बिंदल ने कुछ पॉइंट्स दिए थे दैट वॉज देवर ऑल गुड है ना तो आप कोई भी आंसर पढ़ सकते हैं इसमें आपको एटलीस्ट पॉइंटर्स तो मिल ही जाएंगे है ना तो कीप डूइंग दैट कीप डूइंग दैट दैट विल इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग एज वेल ठीक है आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है लेट्स मूव टू द न्यूज आर्टिकल्स पार्ट फर्स्ट इज गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डेवलप किया है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर जिसका नाम है सिम्बा ठीक है ना तो गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने गुजरात के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम क्या है सिम्बा uh, नाम है अभी सिम्बा क्या है सिम्बा का फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर विद इंटेलिजेंट मार्किंग बेस्ड आइडेंटिफिकेशन फॉर एशियाटिक लॉयंस एशियाटिक लॉयंस के लिए सॉफ्टवेयर है विद इंटेलिजेंट मार्किंग बेस्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एशियाटिक लॉयंस ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि डेवलप किया जा रहा है टू आइडेंटिफाई एशियाटिक लॉयस इंडिविजुअली ये क्यों बनाया जा रहा है टू आइडेंटिफाई एशियाटिक लॉयस इंडिविजुअली ठीक है ना आई होप यू विल रिमेम्बर सॉफ्टवेयर को हैदराबाद की एक company, उसने बनाया है और सिम्बा काम कैसे करता है एशियाटिक लॉयंस बेसिकली हैव यूनिक विस्कर्स स्पॉट है ना एशियाटिक लॉन्स के यूनिक विस्कर स्पॉट होते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द मजल एंड अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक स्टडीज दीज प्रलीज प्रोसाइज पैटर्न आर हाईली वेरिएबल एंड डो नॉट चेंज ओवर टाइम मतलब कि ये चेंज नहीं होते हैं टाइम के साथ बहुत जल्दी एंड इसी कारण से इसी की मदद से डिस्टिंगश uh, हो सकते हैं एशियाटिक लॉन्स है ना और वही यूज किया जाएगा सिम्बा में तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी अगला जो एक टॉपिक है कल मैं

नॉर्मल गुजारा कर रहे हो सपोज करो आपकी सैलरी है बीस हज़ार रुपए आप नॉर्मल गुजारा कर रहे हो ठीक है ना अब आपकी सैलरी अगर पच्चीस हज़ार हो जाएगी ना तो आप उसी के हिसाब से अपना कंजम्पन बढ़ा दोगे यू विल इंक्रीज यूर कंजम्पन अकॉर्डिंग टू दैट अकॉर्डिंग टू योर पे अकॉर्डिंग टू योर इनकम तो उसे बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव नहीं है ये कंज्यूम मतलब कि जब आपकी इनकम बढ़ रही है यू आर नॉट सेविंग दैट मनी यू आर नॉट सेविंग दैट एक्स्ट्रा मनी रादर यू आर डूंग वॉट यू आर इंक्रीजिंग योर ठीक है ना तो ये किनीजियन कंसेप्ट एक्चुअली लॉर्ड जो मेनार्ड किन्स से उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था और उसमें उन्होंने बताया था कि जब इनकम बढ़ती है तो द पीपल जनरली दे इंक्रीज देयर एक्सपेंसेस दे इंक्रीज देयर कंजम्पशन लेकिन ये इनकम लेवल पे डिपेंडेंट है मतलब कि जब बहुत ज़्यादा हायर इनकम होती है तो ये बहुत कम होता है मतलब कि जो चेंज होता है कंजम्पशन में कम होता है मतलब कि जो बहुत बड़े लोग होंगे ना वो और मतलब थोड़ा चिककट ही रहेंगे वो इतना ज़्यादा नहीं कंजम्पशन बढ़ाएंगे ठीक है ना जो थोड़ा लोअर मिडिल और मिडिल इनकम के लोग हैं उनका कंजम्पशन बढ़ जाता है तुरंत है ना क्योंकि उनको एक तो पहले फंड को मेंटेन करना उसको सेव करना इतना आता नहीं है और इसी कारण से फिर वो जब नया पैसा आता है तो उसको भी कंज्यूम कर लेते हैं ना लेकिन जो वो लोग रहते हैं बड़े लोग रहते हैं वो और ज़्यादा चिककट ही रहते हैं तो वो वो नहीं खर्चा करते हैं ठीक है ना तो ये आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट और मनी जो इनकम लेवल है उस पर कैसे डिपेंडेंट है वो भी आपको समझ में आ गया होगा आई होप यू गॉट क्लैरिटी आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस में देखते हैं और क्या है इंडिया एब्सटेन्स अगेन इन द यू एन वोट अब आप तो पता है कि इंडिया ने कसम खा लिया कि वो एक भी वोट नहीं करेंगे रशिया के अगेंस्ट या उसके फेवर में एब्सटेन करेंगे सारे वोट तो वही भी हम कर रहे हैं कोई भी जो नया रेजोल्यूशन uh, लाया जा रहा है अगेंस्ट रशिया और कंटेम्डिंग रशिया वो सारे हमने अप्सटेन कर दिए हैं एंड देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है नहीं इसमें इंडिया को कोसना लोग बंद कर दें कि ऐसा है वैसा है देखो वी डोंट हैव मच ऑप्शन मैंने आपको उस दिन दो कंसेप्ट बहुत अच्छे बताए थे वो याद रखना हमेशा कि इंडिया की जो पावर है वो दो तो उसमें डिवाइडेड है भाई किसी कंट्री की पावर दो में एक कॉन्टीनेंटल पावर होती है एक होती है उसकी मेरी पावर मैंने आपको बताया था कि कॉन्टीनेंटल पावर के लिए पूरा रशिया पर डिपेंडेंट है है ना क्योंकि हमारे बॉर्डर्स जो लैंड हमारा चाइना के साथ पाकिस्तान के साथ हम शेयर कर रहे हैं तो continental power के लिए कोई दूसरी कंट्री हमारी मदद नहीं कर सकता है यहाँ पे ये वाला रीजन है, यहां भी हमको अमेरिका की जरूरत है तो ये हमारे जो दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं ना कॉन्टिनेंटल पावर एंड मेरी पावर का ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसको याद रखेगा एज वेल इन आंसर राइटिंग एज वेल की क्यों हम इस तरीके से बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल आपको समझ में आ गया होगा ठीक है तो दैट इज अ थिंग आगे मूव करते हैं स्पिन लेजेंड शेन वॉन्ट पासिस अवे तो एक एक बिल्कुल सैड न्यूज है क्रिकेट वर्ल्ड के लिए और किसी भी स्पोर्ट पर्सन के लिए जिसने क्रिकेटिंग क्रिकेट देखा है स्पेशली इन द नाइन्टीज और जो 2000 का एरा था जिसमें किसी ने अगर मैच देखा हो इनफैक्ट वो एक बॉल है जिसमें आई थिंक वो मार्कस ट्रस्कोथिक को की गई बॉल थी इफ यू ऑल रिमेंबर दैट टर्न लिटरली लिटरलीट वॉज वन वन एंड हाफ मीटर टर्न लगभग बहुत फेमस टर्न है वो एक एक स्ट्रॉस की है शायद है ना एंड्रू एंड्रॉस की एक बॉल थी एक, को एक बॉल की थी और एक मार्कस स्ट्रेस को एक बॉल की थी मतलब दीज वर द अमेजिंग बॉल्स मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मैं उस वीडियो को कम से कम मैंने कितनी न जाने कितनी बार मैंने उसको सर्च कर करके देखा है क्योंकि वो बॉल दैट इज मैजिकल बॉल तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने कि स्पिन को एक मैजिक में कन्वर्ट कर दिया वो व्यक्ति था शेन वॉन इज इन रिस्पेक्टिव ऑफ इस पर्सनल जो भी देखो कमियाँ सब में होती हैं एंड कुछ कमियाँ शेनवान में भी थी हम पर्सनल उनकी लाइफ में जानते हैं कि कई बार उनका काफी वो कॉन्ट्रोवर्सीज में भी रहते थे शेन वॉन बट अपार्ट फ्रॉम दैट द रीजन फॉर विच ही वॉज फेमस इज क्रिकेट एंड क्रिकेट को उस व्यक्ति ने बहुत ही अच्छा एक एक मुकाम दिया एक 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 ऐसा एक लेजेंड दिया उस, उस गेम को है ना सो वी ऑल आर लिटरीली लिटरली इट वॉज अ शॉक बिकॉज बहुत कम उम्र होती है फिफ्टी टू कोई एज होती नहीं है जाने की एंड दैट वॉज अ शॉक टू द क्रिकेटिंग वर्ल्ड एज वेल सो वी ऑल पे होमजान एंड मे हिज सोल रेस्ट इन पीस आगे मूव करते हैं आगे मूव करते हैं देखते और क्या इम्पोर्टेंट न्यूज आइटम्स है? uh, हैं देखते हैं सो यू कैन मूव अड विद मी यहां पे पोलावरम फार्मर्स टू तो गेट रुपीज फाइव लैक्स पर एकड़ तो पोलावरम में जिन जो फार्मर्स थे जिन्होंने अपना लैंड लूज किया है बिकॉज ऑफ द पोलावरम प्रोजेक्ट उनको पांच लाख रुपए सरकार ने देने का निर्णय लिया है पोलावरम के बारे में बता दू तो इट इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन मल्टीपर्पज इरीगेशन प्रोजेक्ट जो कि गोदावरी रिवर आंध्र प्रदेश वाले रीजन में गोदावरी रिवर में आंध्र प्रदेश वाले एरिया में है एंड इट विल फैसिलिटेट इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफर फ्रॉम गोदावरी रिवर टू कृष्णा रिवर एक तरीके से ये इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफर करेगा फ्रॉम गोदावरी रिवर टू कृष्णा रिवर है ना और इट्स स्प्रेड्स इन पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ है वो और उड़ीसा में भी uh, करते हैं स्प्रेड करते हैं द प्रोजेक्ट इज अल्टीपर्पज मेजर टर्मिनल रिजर्वर प्रोजेक्ट याद रखिएगा एक major terminal reservoir project है ये एंड ऑब्वियसिटी का प्रोजेक्ट है एंड 2008 में इसको स्टार्ट किया गया था और 2014 में इसको नेशनल स्टेटस दिया गया था एंड 2014 में ही आपको याद होगा कि आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन भी हुआ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है ना और दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इसके अलावा थोड़ा सा और बता दूं मैं गोदावरी रिवर का नाम आया तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज़ आपको बता दूँ तो जो प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज़ हैं गोदावरी की वो है प्रवरा पूर्णा मंजरा पेनगंगा वारधा वैन गंगा, गंगा प्राणहिता प्राणहिता मतलब कि कम्बाइंड पेनगंगा वेनगंगा और वारधा Gracias. इंद्रवती मानेर और सबरी ये नदियाँ याद रखना अगर यूपीएससी पूछेगा तो इन्हीं में से पूछता है यही आपको घुमा फिरा करके देंगे इसी में एक आध कृष्णा की ट्रिब्यूटरी डाल देंगे या इसी में एक आध कावे की ट्रिब्यूटरी डाल देंगे और आपसे फिर गैस करने को बोलेंगे तो याद रखेगा गोदावरी की मैं रिपीट करता हूँ प्रवरा पूर्णा मंजरा पेनगंगा वारधा वेनगंगा एंड प्राणहिता अब प्राणहिता जो है वो कंबाइंड है वेनगंगा पेनगंगा और वार्धा की और इंद्रवती मानेर और सबरी इंद्रवती मानेर और सबरी सबरी तो ये नदियाँ याद रखेगा दे फॉर गोदावरी न्यू जिन बेरी स्पीशीज डिस्कवर्ड इन तमिलनाडु तो यहाँ पे तमिलनाडु में एक नई जिन बेरी स्पीशीज डिस्कवर की गई है है ना एंड इसका नाम है ग्लाइकोसमिस एलबी बी कार्पा याद रखिएगा ग्लाइकोसमिस एलबी बी कार्पा तो ये डिस्कवर uh, की गई है दिस इज द न्यू जिन बेरी स्पीशीज ये कहां से मिली है कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मिली है कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है आपका ये आपका तमिलनाडु रीजन में है ठीक है ना कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है या आपका तमिलनाडु में ठीक है ना तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस दिस नेम एज वेल एंड ये आपको याद रहेगा कि कौन कौन सा कहां पर है एंड इसके अलावा बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने चूंकि इसको डिस्कवर किया है तो थोड़ा सा बनता है कि हम बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में भी ने, तो बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया बेसिकली रिलेटेड रे, है फ्लोरा की डिस्कवरी से ठीक है ना बात है ऑब्वियसिकल सर्वे ऑफ इंडिया है तो किससे रिलेटेड होगा फ्लोरा की डिस्कवरी से होगा है ना फोना के लिए हमारे पास जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है <coughs> और बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक एपेक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है और बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1890 यानी कि 1890 में फॉर्म हुआ था ठीक है ना तो बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1890 यानी कि 1890 में फॉर्म हुआ था याद रखिएगा और हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है बाकी बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम वही सारा है कि आइडेंटिफिकेशन करना थ्रेट एंड रेड लिस्ट स्पेशीज का प्लांट की पब्लिकेशन करना है ना ये सारी चीज़ें उसका बेसिकली काम है आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट आगे मूव करते हैं Uh, पंडित भीमसेन जोशी ट्रांसफॉर्म्ड वॉइस इनटू अ टैंजिबल फॉर्म तो याद रखिएगा यहाँ पे पंडित भीमसेन जोशी जी के लिए रिमेम्बरेंस uh, हो रहा था इन द पी आई एफ एफ यानि कि ये पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ठीक है ना पंडित भीमसेन जोशी के लिए एक चीज़ और याद रखिएगा कि इनको अवार्ड मिला है भारत रत्न का है ना पंडित भीमसेन जोशी हैड ऑलरेडी गॉट द अवार्ड ऑफ भारत रत्न ही वाज वन ऑफ़ द ग्रेटेस्ट इंडियन वोकलिस्ट फ्रॉम कर्नाटका कर्नाटका के थे वो और ये हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेडिशन में बहुत जाने जा, जाने जाते हैं और इन जो इनका मेजर जो एक्सपर्टीज़ था वो ख्याल सिंगिंग में था ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग में था है ना याद रखेगा डिवोशनल भजनस भी गाते थे एंड ही बिलोंग टू द किराना घराना फ्रॉम द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के किराना घराना थे याद याद एंड ही ही द ये इनका घराना किराना घराना एंड इनको भारत रत्न ऑलरेडी दिया गया था इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि दैट इज अ थिंग इंपॉर्टेंट आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज ठीक है ना अगला जो हम देखेंगे एडिटोरियल आज का वो है रशियाज़ वॉर द इम्प्रैक्टिबिलिटी ऑफ वॉयलेंस देखो बहुत ही सिंपल शब्दों में आर्टिकल मैं आपको कहूँगा बहुत ज़्यादा प्रलिम्स के लिए फैक्ट आपको नहीं मिलेंगे एक दो फैक्ट जो मिलेंगे वो मैं आपको बता दूंगा लेकिन मेन आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो ऑथर ने बात किया अरुण मायरा ने आर्टिकल लिखा है जो बात की वो बोला कि हमारे पास दो दो लोगों को आइडलाइज़ कर सकते हैं या तो हम किसी वॉर हीरो को आइडोलाइज़ करते हैं या हम किसी एक सेंट व्यक्ति को आइडोलाइज कर सकते हैं इन दोनों में से करना किसको चाहिए तो ऑथर ने कहा कि हमेशा जो अपना आइडल है ना वो किसी सेंट को बनाना चाहिए ना कि किसी वॉर हीरो को यहाँ पे ऑथर ने एग्जांपल दिया है आई डोंट नो आप कितना उससे मतलब कि आप कितना सेटिस्फाइड रहेंगे या मैं कितना सेटिस्फाइड हूँ बट ऑथर का आर्टिकल है तो मैं उसमें ऑथर के अकॉर्डिंग बताना चाहता हूँ ऑथर ने आप एग्जाम्पल दिया है एक कम्पेरिज़न किया है महात्मा गांधी का और सुभाष चंद्र बोस का

फोर्सेज वुड है क्या हम टोटली totally फ्री हो पातेज क्या उस समय अटैक मतलब और ज्यादा हमको डॉमिनेंस भी नहीं रखने की कोशिश करती तो यहां पर हो सकता है कि अगर वहां पर जैपनीज फोर्सेज जीतती तो हम और ज्यादा परेशान होते थोड़े समय के लिए ठीक है ना तो देट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी तो ऑथर ने यहाँ पे वही चीज़ बोली है कि जैसे महात्मा गांधी का जो मेथड था दैट वाज वॉज एज पर ऑथर दैट वाज द मच मोर बिलीव्ड मेथड एंड वही जो फिलॉसफी थी यही चीज़ ऑथर ने कही कि जैसे वियतनाम में क्या हुआ जैसे किसी व्यक्ति की वहाँ पे जब वहाँ के लोगों की डेथ होना शुरू हुई देन सिटीजन्स गॉट इन्वॉल्व इन द वॉर एंड ये इसी कारण से कि यही कारण है कि रशिया जो है वो उसमें फिर जीत नहीं पाए लेकिन सॉरी यू एस उसमें जीत नहीं पाए लेकिन उसका

ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ यूएसए ठीक है ना यूएसए के टाइम्स में जब यूएसए का रेवोल्यूशन चल रहा था तब के मलेशिया मैन थे ना सो so... वही ऑथर ने बोला कि भैया जो हीरोज़ हैं दे शुड ऑलवेज बी दे शुड ऑलवेज बी द सेंट्स अपोजल्स इनको ही हीरोज बनाना चाहिए या जो जिसने नॉन वायलेंस को प्रिश किया हो उसको हीरो बनाना चाहिए देखो लास्ट में आपको पढ़ के दिखा लेट अस नॉट बी टेम्पटेड टू टेक टू वायलेंस इन आर कंट्री फॉर सेटलिंग आर ग्रिवेंसिस बाय राइटिंग लिंचिंग एंड बर्निंग एंड बाय वॉर मॉन्गरिंग अगेंस्ट आर नेबर्स तो इस तरीके से हमको आगे नहीं बढ़ना है वी डोंट वॉन्ट टू डेवलप लाइक दिस है ना एंड दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट आगे मूव करते देखते ऑपरेशन गंगा है दैट इज ऑपरेशन गंगा तो ये आप याद रखिएगा दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट और इसके बाद यहाँ पे रशिया सीजेज यूरोप लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट तो रशिया ने जो है वो लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट जो है यूक्रेन का उसको सीज कर लिया है कंट्रोल और इसका नाम क्या है ये है जैपो रिजाजिया जैपो रेजाजिया प्लान ठीक है ना तो याद रखें देट एक्सप्रेस दैट हैज स्प्रेड अलार्म अक्रॉस द वर्ल्ड कैपिटल्स एज वेल क्योंकि यूरोप कहते हैं यूक्रेन ने तो कल ये तक कह दिया था कि अगर इसको नुकसान पहुंचा तो पूरा यूरोप ख़त्म हो जाएगा तो जैपो रेजाजिया जो है प्लांट वो काफ़ी बड़ा प्लांट है एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन दैट रीजन तो ये आपको याद रखना पड़ेगा इसका नाम याद रखेगा ना So, आगे देखते हैं कुछ और न्यूज है क्या विल वर्सन द चिप शॉर्टेज अब मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी जो वर्ड है उसमें माइक्रो ये आपका जो सेमी कंडक्टर चिप्स हैं और मोबाइल फोन्स के लिए जो चिप्स यूज होती हैं उनकी कमी चल रही है ना अब दिक्कत क्या है कि दो ऐसे आइटम्स हैं जो दो इनपुट्स हैं पेलेडियम और नियॉन ये जो की रिसोर्सेज हैं ये माइक्रो सेमी कंडक्टर चिप्स एंड ऑल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ना कौन से एक होता है आपका 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 और और दूसरा नियॉन ये ये दोनों ही ही उसी रीजन में पाए जाते हैं। आपका रीजन में में पाए पाए जाते जाते हैं हैं मतलब यूक्रेन रशिया वाले तो पेलेडियम एंड नियॉन की जो कमी है इस कारण से काफी ज्यादा सेमी चिप्स में कमी आने वाली है यही रीजन है कि क्यों और ज्यादा इनकी शॉर्टेज है वो बढ़ने वाली तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल डाटा प्रोटेक्शन बिल विल हिट द एफडीआई तो अब ये एक जो इंडस्ट्री बॉडी है उसका ये कहना है कि डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो एफ को हिट करेगा क्यों उसके प्रोविजन के कारण तो सबसे बड़ा जो प्रोविज़न है सबसे उनका कहना यह है कि एक प्रोविज़न ऐसा है उसमें जो कि बहुत हिट करेगा वो है डाटा लोकलाइजेशन का मैंने आपको पहले बताया था डाटा लोकलाइजेशन का मतलब ये है कि जो कंपनीज़ हैं उनको एक डाटा की कॉपी इंडिया में भी बनानी पड़ेगी सपोज कोई फॉरेन की भी कंपनी है ना उसको भी एक डाटा की जो कॉपी है वो इंडिया के अंतर्गत लोकल डाटा के रूप में रखनी पड़ेगी इसको बोलते हैं डाटा लोकलाइजेशन दूसरा इस बार नॉन नॉन पर्सनल डेटा का शेयरिंग भी करने का जरूरत आ गया नॉन पर्सनल डेटा की भी शेयरिंग की जाएगी नॉन तो ये सब कारणों से इनका कहना है कि जो एफ है उसको हिट होगा और इन्वेस्टर्स आने से हिचके जाएंगे अब मैं थोड़ा सा आपको डेटा प्रोटेक्शन बिल में से एक दो चीजें बताना चाहता हूं याद रखेगा इसमें देखो क्या होता है दो तीन टर्म्स है एक होता है डेटा प्रिंसिपल डेटा प्रिंसिपल कौन होता है जिस व्यक्ति का डेटा है द यूजर और द पर्सन टू होम द डेटा इन क्वेश्चन बिलोंग्स इज द डेटा प्रिंसिपल जिस व्यक्ति का डेटा होता है उसको हम बोलते हैं डेटा प्रिंसिपल डेटा फिड्यूशरी दूसरी बॉडी क्या है डेटा फिड्यूशरी ये क्या एंटिटी है ये वो एंटिटी है जो कंट्रोल करती है स्टोरेज ऑफ डेटा डेटा तीसरा होता है आपका आ, आ, ये डेटा प्रोसेसर डेटा प्रोसेसर कौन होता है जो डेटा कलेक्टेड डेटा को प्रोसेस कर रहा है ठीक है ना जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ अगर आप कोई मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हो तो आप हो गए डेटा प्रिंसिपल यू आर द डेटा प्रिंसिपल ऐप जो यूज कर रहे हैं वो हो गया डेटा फ्यडिशरी एंड एडवर्टाइजर जो हो गया जो आपका डेटा यूज़ करके आपके अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है एडवर्टाइजर जो हो गया वो हो गया डेटा प्रोसेसर तो ये तीन टर्म्स याद रखेगा डेटा प्रोटेक्शन बिल के आई होप यू गॉट क्लियरिटी रिगार्डिंग दैट दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स आई होप वीडियो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब कीप कीप थैंक यू कीपिंग डे